पास तुम हो। ये इतना कुछ क्यों लाए हो? कौन खाएगा? हमेशा ही तो लाता हूँ 7 सालों से। आज के दिन तो लाया करता हूँ। आज मतलब? आज हमारी आखिरी वेडिंग एनिवर्सरी। देखो 15 मिनट रह गए हैं बस। तुम केक निकालो, मोमबत्तियां जलाओ, मैं छुरी लेके आता हूँ। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? मेरी इंसल्ट कर रहे हो ना? क्या बात कर रही हो यार? दीवाने की आरजू है, पूरी कर दो। अब रुक गई हो तो थम भी जाओ। उसको नींद नहीं आ रही होगी। जब गर्लफ्रेंड किसी और के साथ बैठी हो ना तो यही हाल होता है। चलो सोचो उस रात मेरा क्या हाल हुआ होगा जब वो तुम्हें इस्लामाबाद लेकर चला गया था। मेरी तो बीवी थी यार। वो क्या है कि वो आना चाहता है यहां? साले को मरोर उठ रहे होंगे, लेकिन वो यहां आके करेगा क्या? कबाब में हड्डी बनकर बैठा रहेगा? चलो ठीक है, बुला लो उसे, मगर उससे कहना कि डोरबेल ना बजाए। ओके। अरे यहीं बैठ के बात करो ना, आप कैसी शर्म? ये क्या कर रहे हो? सफाई कर रहा हूं। घर चाहे छोटा है मगर अपना भी कोई इमेज है यार। वो क्या है कि गरीब हूं लेकिन गंदा नहीं हूं। लाओ मैं कर देता। अरे रुखसती के वक्त भी काम करता है क्या? तुम बैठ जाओ, मैं तो अब किया ही करूंगा, तो अभी से कर देता हूं। तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। अरे यार लाओ मैं पट्टी कर दूं। जख्म दिए काफी नहीं, मरम है मेरे पास, मैं लगा कर। ये ना कहिए शबा साहब, मुझे लगेगा कि ग्रेट एक फुसफुसा सा लफ्ज है जो हम कहीं भी बोल देते हैं। टूटे हुए घर के मलबे से किसी की जमा पूंजी को चोरी करना ग्रेट तो नहीं होता। मैं कमरे में जा रही हूं। कमरे में कैसे जा सकती हो तुम? कमरे से रिहाई का परवाना दे चुका हूं तुम्हारे हाथ में, तुम वहां नहीं जा सकती। अब चाय पी लेते तो अच्छा लगता शेवार सर। नहीं जी शुक्रिया। तुम भी नहीं पियोगी? नहीं। तो फिर जाओ, यहां क्यों खड़ी हो? भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ। मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ा था। जा रहे हो तो हाँ? सभी नक्श मिटाते जाओ। आइए ना शबार साहब, अब 9 बजे या 2 बजे इससे क्या फर्क पड़ता है। चलो रसमन ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तालुक को न
निभाते जाओ। देखने सुनने में बड़े इंटेलिजेंट बिजनेसमैन लगते हैं आप, लेकिन यहां भाव करते हुए आपने मुझे हैरान कर दिया। इस 2% की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा।